गोइंग टू स्टडी एस्मा। तो जहां तक डेफिनेशन की बात हुई है तो हम लोगों ने पहले ही कहा था कि एस्थमा रिवर्सिबल होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एस्मा इज एन इंफ्लेमेटरी डिसीज ऑफ स्मॉल एयरवेज, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसा ही है, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हम लोगों ने देखा था कि जो भी इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्लग्स बनते हैं वो आपके अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोस बनते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से लार्जर एयरवेज की डिसीज थी। यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली स्मॉलर एयरवेज कैरेक्टराइज बाय पैरोक्सिस्मल, मतलब अभी तक पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक था और सडनली उसको ब्रेथलेसनेस होने लगी। सेकेंड थिंग है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आपने इसको बीटा टू एगोनिस्ट दे दिया तो ये प्रॉब्लम्स रिवर्स हो गई है ना, रिवर्सिबल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन आगे लिख लीजिए ड्यू टू हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस। है ना आपका जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री है, अगर मान लीजिए कोई एलर्जन आपने इनहेल कर लिया तो हो सकता है सडन वहां पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। तो हम लोग इंस्पायर तो कर लेंगे क्योंकि इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, हम लोग एनर्जी या फोर्स लगा के फोर्सफुली इंस्पायर कर लेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमेशा पॉलन ग्रेन ही होगा, कभी कभी एक इंट्रिंसिक टाइप का एस्मा होता है, एक एक्सट्रिंसिक टाइप का एस्मा होता है। एक्सट्रिंसिक टाइप में कुछ ना कुछ पॉलन ग्रेन या फूड से एलर्जी हो जाएगा, इंट्रिंसिक टाइप होगा तो उसमें कोई एलर्जिक हिस्ट्री भी नहीं मिलेगी। ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री टू अ मल्टीप्लिसिटी, टू अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई, एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉलन ग्रेन एक एग्जाम्पल के तौर पे। हम लोग देखते हैं ना कुछ वेदर में कुछ लोगों को काफी दिक्कत होने लगती है। एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई मैनिफेस्टेड बाय, स्टेड बाय सडन है ना, या पैरोक्सिस्मल, फिर से लिख लेते हैं पैरोक्सिस्मल। पैरोक्सिस्मल वीजिंग, वीजिंग आपको बताया गया था कंटिन्यूअस एक्सपिरेटरी साउंड होगी है ना, डिस्निया और समटाइम्स कफ। अब आगे वाली लाइन लिख लेते हैं विच मे बी रिलीव्ड बाई बीटा एगोनिस्ट, विच मे बी फुली रिलीव्ड बाय बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट मतलब जैसे मान लीजिए आपने साल ब्यूटामोल ले लिया। तो इस डिफिनेशन में काफी कुछ आपने देख लिया है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन है ना, फिर से देख लेते हैं। बात की गई एस्मा की, ये हुआ कि एक इंफ्लेमेटरी डिसीज है जो स्मॉलर एयरवेज की है, कैरेक्टराइज्ड बाय सडन रिवर्सिबल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। सडन होगा ऐसा नहीं कि रोज उसको कंटिन्यूअस ब्रेथलेसनेस बनी होगी, जब एस्मा का अटैक आएगा तब उसको ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, और जब आप उसको नेबुलाइज या इनहेलर दे दोगे तो उसका एपिसोड वो एबॉर्ट हो जाएगा। क्यों होता है? ड्यू टू हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, ड्यू टू इंट्रिंसिक मतलब बॉडी के अंदर कोई जेनेटिक ऐसी ससेप्टिबिलिटी हो, या कोई पॉलन ग्रेन या कोई डस्ट से उसको एलर्जी हो। मैनिफेस्टेड बाय पैरोक्सिस्मल ब्रेथलेसनेस इन फॉर्म ऑफ वीजिंग डिस्निया और कफ। और अच्छी बात यह है कि जब आप बीटा टू एगोनिस्ट से नेबुलाइज करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बार और हम लोग यहाँ पे अप्रोच को लिख लेते हैं। जब भी अप्रोच देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज पढ़ रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज तो मेनली हम लोगों ने वही तीनों की बात की थी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर वन इज एस्मा, नंबर टू इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, नंबर थ्री इज एम्फाइसिमा। फिर से यहाँ से देख लेते हैं, अगर हमने बीटा टू एगोनिस्ट दिया इनको मतलब साल ब्यूटामोल,
तो दिस वन इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, फुली रिवर्सिबल है ना। यहाँ पे पार्सली, पार्सली, यहाँ नो रिलीफ। तो ये आपका तीनों क्लियर कट हम लोग केवल नेबुलाइज करके फिगर आउट कर सकते हैं, और इन दोनों को कंबाइंड वे में हम लोग सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिखा देते हैं ताकि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने से पहले ही क्लियर हो जाए। आप लोग इस डायग्राम को देखिएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से सबको ये आराम से दिख रहा होगा। अगर हम लोग एक नॉर्मल एयरवे की बात करते हैं तो नॉर्मल एयरवे में आप देख पा रहे हो ये आपका ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन है, जो ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स हैं उनका ल्यूमेन है। अगर यहाँ पे ढेर सारा म्यूकस अगर डिपोजिट हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो एयर अंदर जा रही थी उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, जो एयर हम लोग एक्सपायर कर रहे थे उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। एक्सपिरेशन बीइंग अ पैसिव प्रोसेस विल बी अफेक्टेड मोर। अब देखिए यहाँ पे जब भी म्यूकस ज्यादा हुआ तो आप देख पा रहे हो कि ल्यूमेन के अंदर ढेर सारा म्यूकस बन गया है, प्लस ये म्यूकस सिक्रीटिंग जो आपकी ग्लैंड है उनकी देखो यहाँ पे कम है, और यहाँ पे उन ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो गई है। इसका मतलब म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होगा, जो एयरवे है वो ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा जो स्मूथ मसल्स होती हैं जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती हैं, मतलब जो ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स या एयरवे को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जैसे यहाँ म्यूकोसल ग्लैंड्स की हो गई। तो ये लोग जरा सा अगर इनको स्टिमुलस मिल गया तो बहुत तेजी से कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, बहुत तेजी से कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, तो एयर भी आपके इनहेल करने और एक्सहेल करने में दिक्कत आएगी। तो जब भी कोई पॉलन ग्रेन या कोई भी ऐसा एलर्जन आ जाएगा तो ये क्या करेगा, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, और दूसरी चीज ये है कि म्यूकोसल हाइपरट्रॉफी या हाइपर एक्टिविटी से ढेर सारा सिक्रीशन यहाँ पे करवा देगा। तो जब भी आप ब्रीथ करोगे तो आपको एयरवे पेटेंट नहीं मिलेगा। तो दोनों डायग्राम में आप देख सकते हो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, नॉर्मली जो लोग एलर्जिक नहीं होते हैं वही पॉलन ग्रेन जाएगा उनके अंदर तो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब कोई ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन जो लोग एलर्जिक हैं वो हाइपर रिएक्ट करेंगे, जरा सा भी पॉलन ग्रेन चला गया तो तुरंत हाइपर रिएक्टिव ब्रोंकियोल्स उनके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। उसके बाद म्यूकोसल ग्लैंड्स ढेर सारा यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों डायग्राम में जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ स्मूथ मसल्स आपकी कम मोटी हैं, मतलब कम हाइपरट्रॉफीड हैं, यहाँ ज्यादा हाइपरट्रॉफीड हैं। म्यूकोसल ग्लैंड्स जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे यहाँ बहुत छोटे हैं, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी है। फिर उसके बाद ल्यूमेन में यहाँ पे नो म्यूकस, यहाँ पे आपका ढेर सारा म्यूकस है ना। तो इस डायग्राम से आप लोग क्लियरली समझ सकते हो। इसी टाइप से हम लोगों ने कुछ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पे ये जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है ये कम था, ये म्यूकस वहां पे ज्यादा था। यहाँ पे जब हम लोग बीटा टू एगोनिस्ट दे देंगे यहाँ पे तो ये चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग इस वाले पार्ट को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। ये और भी इजी है, यहाँ पे भी अभी हम लोगों ने जो जो चीजें देखा है वो चीज पहले लिख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, जिसकी वजह से एयरवे नैरोइंग हो जाएगी। लिख लेते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज मेनली कॉज्ड बाय, सबसे पहला लिख लेते हैं स्पाजम ऑफ स्मूथ मसल्स, लिख लेते हैं स्पाजम ऑफ हाइपरट्रॉफीड स्मूथ मसल्स लीडिंग टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें कुछ समझने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स आपके कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे तो एयर जाने की स्पेस कम बचेगी, इंस्पिरेशन में आप उसको ओवरकम कर सकते हो, एक्सपिरेशन में आपको ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं नोन एज हाइपर रिएक्टिवनेस, हाइपर
रिएक्टिवनेस ऑफ एयरवे। क्यों हाइपर रिएक्ट करेगा? क्योंकि इसको कोई ना कोई स्टिमुलस मिल जाएगा, चाहे वो एलर्जन हो चाहे कोई डस्ट पार्टिकल हो। तो पहली चीज ये हो गई कि हाइपरट्रॉफिड स्मूथ मसल्स बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और तब करेंगे जब इसे नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए सेकेंड चीज हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस बाई हाइपरट्रॉफी म्यूकस ग्लैंड्स। आप लोगों ने डायग्राम में देख लिया था, इतना ज्यादा म्यूकस सिक्रीशन होगा कि जो ल्यूमेन होगा यहाँ पे वो फिल हो जाएगा आपके म्यूकस से, तो हार्डली वहां पे कोई स्पेस बचेगा जहां से एयर जा सके, है ना। तो आपका एक्सप्रेशन काफी अफेक्टेड होगा। ये दो मैकेनिज्म हो गए। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, लिख लेते हैं, एडिमा एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एयरवेज। चीजें मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टल क्लियर हैं कि हम लोग एस्मा पढ़ रहे हैं। अगर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और एयरवे आपका नैरो हो जाएगा, या आपके एयरवे में कोई चीज डिपॉजिट हो जाए जैसे म्यूकस हो गया है ना, ज्यादा म्यूकस सिक्रीशन, या वहां पे एडिमा हो जाएगा तो भी वाटरी सिक्रीशन इकट्ठा हो जाएंगे। ये तीन मैकेनिज्म है आपके, मतलब पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट है। इसके अलावा आप लोग ये देख लीजिए, ये ज्यादातर इट इज mostly IgE mediated। ये आपकी जो एंटीबॉडी IgE है, IgE mediated होता है, एंड इओसिनोफिल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे हो IgE ये एलर्जी का एक तरह से अगर देखा जाए तो मार्कर भी होता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स में इस्नोफीलिया होता है, इस्नोफिल्स भी काफी बड़े होते हैं। देखा जाए तो जो प्रॉब्लम होती है ये दो फेज में होती है। पहले फेज में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब स्मूथ मसल्स आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। दूसरे फेज में वहां पे ढेर सारा एडिमा और म्यूकस सिक्रीशन हो जाता है, लिख लेते हैं, सिम्टम्स आर ड्यू टू टू फेजेस, दैट इज ड्यू टू बाईफेजिक पैथोलॉजी। बाईफेजिक पैथोलॉजी, पहला फेज क्या हो जाएगा, आप लोग कहते हो अर्ली रिएक्शन, अर्ली रिएक्शन। अर्ली रिएक्शन में क्या होगा, मान लीजिए जैसे ही पॉलन ग्रेन रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया, उसका उसका कांटेक्ट हो जाएगा आईजीई बाउंड मास्ट सेल से। देख लेते हैं, अर्ली रिएक्शन कुछ ऐसे होगा कि मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन ये आपके एयरवे में चला गया, एयरवे में, है ना, और एक एलर्जिक इंसान है तो यहाँ पे एक मास्ट सेल होगा जिसके अंदर ढेर सारी चीजें स्टोर्ड होंगी, मास्ट सेल, और यहाँ पे आईजीई एंटीबॉडी होगी। इसको हम लोग लिख लेते हैं आईजीई एंटीबॉडी। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। जब यहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगी, जो मास्ट सेल है ये डीग्रेनुलेट हो जाएगा। डीग्रेनुलेट, डीग्रेनुलेट का मतलब इसके अंदर जो ग्रेन्यूल था ये बाहर निकल आएगा। देख लेते हैं, जो ग्रेन्यूल था अब वो डीग्रेनुलेट हो गया। इस ग्रेन्यूल से ढेर सारे ऐसे सब्सटेंसेस निकलेंगे जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, लिख लेते हैं, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये लोग क्या कराएंगे, ये लोग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, दे विल लीड टू
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बाई स्मूथ मसल एक्शन, देख लिया था हम लोगों ने, बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, बाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो पहली चीज तो हम लोगों ने ये देख लिया है कि यहाँ पे सबसे पहले ही जैसे ही पॉलन ग्रेन गया तुरंत एक सडन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ जिससे सडन ब्रेथलेसनेस होने लगी। अब इस चीज को हम लोग रिलीव भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ड्रग होती है। ड्रग क्या होती है? बीटा टू एगोनिस्ट्स। जैसे ही इसको प्रॉब्लम होने लगी हम लोगों ने इस पेशेंट को इनहेलर दे दिया या नेबुलाइज कर दिया। लिख लेते हैं रिलीव्ड बाय बीटा टू एगोनिस्ट्स, है ना। तो अभी जब हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि बीटा टू एगोनिस्ट एक्यूट एपिसोड को सबसाइड करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा आप आ जाइए, पहला तो आपका अर्ली रिएक्शन हो गया, दूसरा आप लेट फेज, सेकेंड इज लेट फेज। अब यहाँ पे लेट फेज में आपके जो स्नोफिल्स होंगे वो कुछ केमिकल मीडिएटर्स निकालेंगे, लिख लीजिए मेनली स्नोफिल्स, इओसिनोफिल्स रिलीज केमिकल मीडिएटर्स, मतलब कीमोकाइंस, केमिकल मीडिएटर्स। तो जो केमिकल मीडिएटर्स होंगे जैसे इंटरल्यूकिंस हो गए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स हो गए, इंटरल्यूकिंस एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब मत याद करिएगा। ये क्या करेंगे? आपके इन्फ्लेमेशन करेंगे और इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन करेंगे। लिख लेते हैं विल कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे एंड इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीशन। तो इसकी वजह से एयरवे नैरोइंग हो जाएगी, विच लीड्स टू एयरवे नैरोइंग। एयरवे नैरो हो जाएगा तो फिर आपको एक्सप्रेशन में करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो क्योंकि इंस्पिरेशन एक्टिव था, एक्सप्रेशन पैसिव था। यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट में देते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी चीज क्योंकि यहाँ इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, तो ये ट्रीटमेंट आपका स्टीरॉयड मैनेज करेगा। तो देख लेते हैं इनहेलेशनल, मतलब इसको भी नेबुलाइजेशन या इनहेलर से दे सकते हैं स्टीरॉइड्स। अगर बहुत ज्यादा हो गया है इन्फ्लेमेशन तो हम लोग ओरल स्टीरॉइड्स भी दे सकते हैं, और ओरल स्टीरॉइड्स इन एक्सट्रीम केसेस। फिर से हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं, मुझे लगता है कि काफी इजी है ये। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये रिवर्सिबल है, तो अभी देख भी लिया है हम लोगों ने किस तरीके से रिवर्सिबल है। अर्ली रिएक्शन में ऐसा कुछ होगा कि जो भी एलर्जन होगा वो बॉडी में जाएगा और आईजी से उसकी मुलाकात हो जाएगी। आईजी बाउंड होते हैं मास सेल से, जैसे ही यहाँ पे ये ज्वाइन होगा मास सेल आईजी एंटीबॉडी से, जो लोग एलर्जिक होते हैं उसमें आईजी एंटीबॉडी ज्यादा होगी, है ना। तो ऐसे में पॉलन ग्रेन का आईजी से सामना होना ज्यादा कॉमन हो सकता है। तो उसी समय एक ट्रिगर मिलेगा और ये जो ग्रेन्यूल मास सेल के अंदर बैठा हुआ है ये डीग्रेनुलेट हो जाएगा, ये सरफेस पे आके अपने सारे सब्सटेंस रिलीज कर देगा। सब्सटेंस में क्या होता है मेनली? हिस्टामिन्स हो सकते हैं, ब्रेडिकाइनिन हो सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये केमिकल मीडिएटर्स हैं जो अर्ली रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ये लोग करेंगे क्या? जो हम लोगों ने डायग्राम में स्मूथ मसल्स देखी थी जिसकी हाइपरट्रॉफी हुई थी उसको स्टिमुलेट कर देंगे, तो वो चीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसकी वजह से एयरवे में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सडन पैरोक्सिज्मल ब्रेथलेसनेस होगी, जिसको आप बीटा टू एगोनिस्ट से रिलीव कर सकते हो, है ना। ये विद इन 10 मिनट्स होता है, लिख लीजिए जैसे ही एलर्जन गया विद इन 10 मिनट्स। उसके बाद ये फेज जब ओवरकम हुआ तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, ये तो आपने सडनली उसको रिलीफ प्रोवाइड करा दिया है। कुछ रिएक्शंस बाद में होंगे जिसमें म्यूकोसल एडिमा होगा और ढेर सारा म्यूकस सिक्रीशन होगा हाइपरट्रॉफी म्यूकस ग्लैंड से। तो यहाँ पे स्नोफिल्स का और केमिकल मीडिएटर्स का काफी रोल है। तो आगे हम लोगों ने डायग्राम में देख लिया था कि ढेर सारे म्यूकस प्लग्स बन जाएंगे जो रेस्पिरेटरी पाथवे को या एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने बताया कि ये आपका स्टीरॉइड से
हम लोग इसको काउंटर कर सकते हैं इसी तरह। इसीलिए जब हम लोग आगे इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि जो मेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप बीटा टू एगोनिस्ट से शुरू करिए, पहले शॉर्ट एक्टिंग, फिर लॉन्ग एक्टिंग, फिर उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड कर दीजिए, इनहेलेशनल, फिर ओरल कर दीजिए उसको, फिर उसके बाद ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट वगैरह का नाम आता है। तो ये आपका करीब वो आपका 10 मिनट में हुआ था, 8 to 12 आवर के बाद, ठीक है, आफ्टर 8 to 12 आवर्स। चलिए ये तो आपकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज्मा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्थमा। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ढेर सारे डस्ट वगैरह होते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग लिख लेते हैं एलर्जिक एस्थमा, जिसमें एलर्जी वगैरह की हिस्ट्री होती है, एलर्जिक एस्थमा। आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एस्थमा को ट्रिगर कर देती हैं, है ना, तो इनको हम लोग एलर्जेंस कहते हैं। तो ये इसमें अक्सर फैमिली हिस्ट्री मिलती है ऐसे पेशेंट्स में, फैमिली हिस्ट्री मतलब कुछ ना कुछ जेनेटिक है। डायबिटीज हाइपरटेंशन की तरह ये भी पॉलीजेनिक है, घर में किसी को है तो जरूरी नहीं कि सबको हो जाए। फैमिली हिस्ट्री मिलेगा और अर्ली एज ऑफ ऑनसेट होगा, अर्ली एज ऑफ, जब वो बच्चा होगा तब से उसको सिम्टम शुरू हो सकता है, मतलब लेस देन 10 ईयर से ही उसके साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। एलर्जेंस की अगर बात किया जाए तो हम लोग सबसे पहले एलर्जेंस लिख लेते हैं इनहेल्ड एलर्जेंस, इनहेल्ड। बहुत देर से हम लोग पॉलन ग्रेन वगैरह का नाम लिख ले रहे हैं तो लिख लेते हैं पॉलन ग्रेन्स। इसीलिए सीजनल वेरिएशन होता है, कुछ सीजन्स में पॉलन ग्रेन्स ज्यादा डस्ट में या एयर में होते हैं। इसके अलावा डस्ट आप लिख लीजिए, या डस्ट हाउस, डस्ट माइट भी हो सकता है। इन शॉर्ट एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। ये तो इनहेल्ड एलर्जेंस हो गए। खाने की वजह से भी अस्थमा हो सकता है, लिख सकते हैं कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो आपके एलर्जी या एनाफाइलेक्सिस तक कर सकते हैं, इंजेस्टेड। कभी कभी सी फूड से हो सकता है, तो पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए फिश। और जो आज तक सबसे ज्यादा एलर्जिक सब्सटेंस नोन है वो नट्स हैं, जैसे पीनट, ग्राउंड नट एंड ऑल दीज थिंग्स, नट्स, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, इन सब चीजों से एलर्जी काफी हो सकती है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हो सकता है कोई फार्मर हो सकता है कोई कारपेंटर हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्यूपेशनल एलर्जेंस। फार्मर्स लंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेन डस्ट, अनाज वगैरह का ग्रेन डस्ट, या और दूसरा लिख लेते हैं एग्जांपल वुड डस्ट। कारपेंटर वगैरह होगा तो वुड वगैरह का काम कर रहा होगा, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी चीजें देखी है कि एलर्जी बेस्ड एस्मा किन किन चीजों से ट्रिगर हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले चीज देख ला, कुछ लोग हम लोग सांस के साथ कुछ चीजें ले सकते हैं, उससे एलर्जी हो सकती है। ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि डस्ट, माइट, ये सब पॉलन ग्रेन्स, इन जैसे खाना खाने के बाद भी ब्रेथलेसनेस शुरू हो सकती है, ये इसलिए हो सकती है क्योंकि कुछ इंसान फिश, नट्स या स्ट्रॉबेरीज से एलर्जिक हो सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एलर्जन से नॉर्मली हमें आपको ये चीज इनहेलेशन में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई इस प्रोफेशन में होगा जहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइप के डस्ट या पार्टिकुलेट मैटर होंगे तो उनके इंजेशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल एलर्जन से ही होगा। दूसरी चीज देख लीजिए, वायरल इन्फेक्शन मान लीजिए किसी को हो गया, वायरल इन्फेक्शन मान लीजिए किसी को फ्लू हो गया है, तो फ्लू से अस्थमा तो नहीं होगा लेकिन फ्लू अस्थमा के एपिसोड को ट्रिगर कर सकता है। लिख लीजिए इट कैन ट्रिगर एपिसोड्स ऑफ एज्मा। अब देखिए कैसे ट्रिगर करेगा, जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होगा तो कुछ न कुछ म्यूकोसल डैमेज होगा, कुछ न कुछ इन्फ्लेमेशन होगा। लिख लेते हैं वायरल इन्फेक्शन, आप सिंपल यहाँ पे फ्लू लिख लीजिए, तो इसकी वजह से म्यूकोसल डैमेज होगा और इन्फ्लेमेशन हो सकता है।
तो अभी तक जो सब क्लिनिकल फॉर्म में एज्मा था वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत म्यूकस सिक्रीशन इसकी वजह से भी हो सकता है, मोर म्यूकस सिक्रीशन। तो आप लोगों ने लेट फेज में तो यही देखा था कि अगर म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा तो भी एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन से एज सच एज्मा ओरिजिनेट नहीं होगा, जो एज्मेटिक इंडिविजुअल्स होंगे उनका एज्मा ट्रिगर हो जाएगा, हो सकता है उसी समय एक अटैक आ जाए एज्मा का। चलिए थर्ड चीज हम लोग देख लेते हैं, वेदर चेंज। बहुत कॉमनली हम लोगों ने देखा है कि जब मौसम बदलता है तो कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, कुछ लोगों को एज्मा अटैक आने लगते हैं, है ना। तो क्योंकि कुछ सीजन्स में पॉलन ग्रेन्स या डस्ट आपके एनवायरमेंट में ज्यादा हो जाते हैं। लिख लेते हैं, ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एयरबॉर्न एलर्जेंस। ठीक है, ये आपके पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, डस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ पेशेंट्स में सुना होगा कि कभी कभी एस्पिरिन लेने से अस्थमा का अटैक आ जाता है। लिख लेते हैं, एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्मा, एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। आप सबको पता है एनसिड्स और जो पैरासिटामोल या आप एस्पिरिन की बात करें तो ये सब साइक्लो ऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। लेकिन साइक्लो ऑक्सीजनेज अगर इनहिबिट हो जाएगा तो लॉक्स लाइपो ऑक्सीजनेज वाले एंजाइम्स ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, तो इसकी वजह से ल्यूकोट्राइन्स ज्यादा बनेंगे। आपने ऊपर देख लिया था अर्ली फेज में प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे और ल्यूकोट्राइन्स थे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो ल्यूकोट्राइन्स ही तो आपके अर्ली फेज में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे थे। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर कोई एस्पिरिन लेगा और वो इससे एलर्जिक होगा तो ऐसे पेशेंट्स में ल्यूकोट्राइन्स बढ़ जाएंगे और एस्मा का अटैक आ सकता है। लिख लेते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन ल्यूकोट्राइन्स, हम ब्रैकेट में अर्ली फेज लिख लीजिए, याद आ जाएगा। तो इसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो पहला अर्ली फेज था वैसे मैनिफेस्टेशन यहाँ पे भी आने लगेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, उस समय उनको सीजर या एस्मा के अटैक आ जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इमोशनल इमोशन इंड्यूस्ड अस्थमा। जो हमारे इमोशंस होते हैं सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होते हैं। अगर जब इमोशंस कोई इंसान बहुत इमोशनल होता है तो इमोशन की वजह से वेगस नर्व आपकी स्टिमुलेट हो जाती है, स्टिमुलेट्स वेगस नर्व। आपको पता है जो वेगस नर्व होती है, जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, ये पैरासिंपैथेटिक होती है, पैरासिंपैथेटिक नर्व। पैरासिंपैथेटिक नर्व होगा तो ये आपको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, इसके अलावा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो लिख लेते हैं, देयरफॉर लीड्स टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। काफी इजी है ये, जहां जहां पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या म्यूकोसल डैमेज या म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन और इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन जो कोई भी चीज और एग्रीवेट कराते हैं तो वो एस्मा को प्रेसिपिटेट या पर से करा सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है या बहुत ज्यादा बोल भी रहा होता है तो आप देखते हो एक्सपायर ज्यादा करेगा वो, है ना, हांफता रहेगा या ज्यादा हाइपर वेंटिलेट करेगा। जब हम एक्सपायर करते हैं एयर को तो उसमें वाटर वेपर ज्यादा निकलता है, इसका मतलब अगर कोई बहुत एक्सरसाइज कर रहा होगा तो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा होगा, है ना, हाइपर वेंटिलेट कर रहा होगा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से काफी वाटर का लॉस हो जाता है। इसकी वजह से जो म्यूकोसा है वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है। हाइपर ऑस्मोलरिटी इटसेल्फ कैन रिलीज सॉरी कैन एक्टिवेट मास्ट सेल्स टू डीग्रेनुलेट। लिख लेते हैं, एक्सरसाइज लीड्स
टू हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन, अब हाइपर वेंटिलेशन क्या करेगा? हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, रेस्पिरेटरी ट्रैक की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगा, हाइपर ऑस्मोलैरिटी। ये लीड्स टू डीग्रेनुलेशन ऑफ मास सेल्स, लीड्स टू डीग्रेनुलेशन ऑफ मास सेल्स। हम लोगों ने देख लिया था मास सेल डीग्रेनुलेट होते थे तो ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिंस, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन्स, ये सब चीजें निकलती थी। उसके बाद फिर से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहां से भी हम लोगों ने देख लिया कि इस तरह से भी अस्थमा हो सकता है। कुछ लोगों को गैस्ट्रिक अस्थमा होता है, जैसे ही कुछ खाते हैं उसके आसपास थोड़ा सा एसिड रिफ्लक्स होता है और उसकी वजह से अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। लिख लेते हैं गैस्ट्रिक अस्थमा, गैस्ट्रिक अस्थमा। गैस्ट्रिक अस्थमा में क्या होगा, जब वो कुछ खाना पीना खाएंगे उसके आसपास रिफ्लक्स होगा, एसिड निकलेगा, है ना, फूड के रेस्पॉन्स में, और इसकी वजह से फिर आपका अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स फॉलोइंग मील्स। इतना ही काफी है इसके लिए। कुछ लोगों में केवल रात को ब्रेथलेसनेस होती है, आप उसको कह देते हो नॉक्टर्नल एस्मा। एक और लिख लीजिए, नॉक्टर्नल अस्थमा। हम लोगों ने जब सीवीएस पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया पीएनडी रात में ज्यादा होता है। उसके लिए हम लोगों ने कहा था रात को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो जाता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो जाएगा तो हार्ट रेट भी कम हो सकता है और ब्रोंको, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम ब्रोंको डायलिटेशन कराता है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है अगर एड्रेनालिन नहीं रहेगा। तो लिख लेते हैं ड्यू टू डिक्रीज्ड एड्रिनर्जिक ड्राइव, एड्रिनर्जिक ड्राइव इन नाइट या ड्यूरिंग स्लीपिंग एज इन केस ऑफ पीएनडी। हम लोगों ने पीएनडी कार्डियक सिस्टम में डिटेल में पढ़ा था, जिस लोगों का छूट गया है वो लोग फिर से कार्डियक सिस्टम जब स्टार्ट होगा तो पढ़ लीजिएगा। एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन कम होगा मतलब डिक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर डिक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो ब्रोंको डायलेशन के बजाय ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, देयरफॉर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि पैरासिम्पेथेटिक तो अपना काम कर ही रहा होगा। इसके अलावा एक लास्ट लिख लीजिए जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, स्टेटस अस्थमेटिकस, ये आपका नाइन्थ हो जाएगा। फिर हर चीज को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, स्टेटस अस्थमेटिकस, इसी को हम लोग कहते हैं एक्यूट सीवियर अस्थमा, एक्यूट सीवियर अस्थमा। आप लोगों ने बाकी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो लिख लेते हैं इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ पे अगर किसी का एस्मा का अटैक आधे घंटे तक सबसाइड ही नहीं हुआ, लिख लेते हैं अस्थमा अटैक Not subsiding before 30 minutes. आधे घंटे तक उसको breathlessness हो ही जा रही है, आपने nebulize भी करने की कोशिश की तब भी नहीं गया, तो इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ अब IV drug देना पड़ेगा, है ना, जैसे corticosteroids वगैरह, यहाँ पे hydrocort का इसको injection लगाना पड़ेगा। तो जब हम लोग treatment पढ़ेंगे तो इस चीज को डिटेल में देख लेंगे। तो इतना ज्यादा सीवियर होगा कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अलावा अब कार्डियक प्रॉब्लम भी होने लगेगी, मतलब टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हो सकता है साइनोसिस लिख लेते हैं, मे लीड टू
टैकीकार्डिया, साइनोसिस या अनकॉन्सियसनेस, क्योंकि इंसान बिल्कुल सांस नहीं ले पाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, या ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो अनकॉन्सियसनेस हो सकती है। एक बार जितना हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एस्मा पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं विद पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की बात किया जाए तो हम लोगों ने इस डायग्राम से ही देख लिया था कि म्यूकोसल सेल की हाइपरट्रॉफी और हाइपर एक्टिविटी होगी, जिससे आपका म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होगा, प्लस स्मूथ मसल्स ज्यादा हाइपर एक्टिव है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन उनका फ्रीक्वेंट हो सकता है किसी भी एलर्जन के रेस्पॉन्स में। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया हाइपरट्रॉफिक स्मूथ मसल्स जो हैं ये हाइपर एक्टिव हो चुकी हैं, हाइपर रिएक्टिव हो चुकी हैं, जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। इसके अलावा एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, जिसकी वजह से म्यूकस प्लग्स बन जाएंगे और आपका एयरवे नैरो हो जाएगा, और ये आपका आईजीई मीडिएटेड और स्नोफिल मीडिएटेड होता है। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे तो इनका भी लेवल कराएंगे हम। यहाँ पे हमने कह दिया जो अर्ली फेज है दैट इज ड्यू टू आईजीई, आईजीई आपके मास सेल से अटैच होती हैं, मास सेल से जैसे ही आपके पॉलन ग्रेन अटैच होंगे तुरंत ये डीग्रेनुलेट होगा, यहाँ पे हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन्स या ढेर सारे सारे वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स सिक्रीट होंगे या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर्स, जो कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस कराएंगे। आपकी स्मूथ मसल है ही हाइपरट्रॉफी तो एक स्मूथ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिससे एयरवे आपका ब्लॉक हो जाएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने कहा कुछ केमिकल मीडिएटर्स निकलेंगे इंटरल्यूकिंस और ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर के फॉर्म में, जो कि लेट फेज कराएंगे, जो कि 8-10 घंटे के बाद होगा। यहाँ पे बाकी प्रोसेस होने लगेगा कि म्यूकोसल एडिमा होगा, म्यूकोसल सिक्रीशंस होंगे और म्यूकस प्लग बनेगा और म्यूकस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इसको हम लोग स्टेरॉइड से ट्रीट करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्मा में देखना जरूरी था कि क्योंकि अस्थमा एलर्जी से ही रिलेटेड नहीं होता, इंट्रिंसिक भी हो सकता है। एलर्जी से जो होता है उसमें फैमिली हिस्ट्री होती है और ये चाइल्डहुड से ही अपेरेंट हो जाती हैं चीजें। इनहेल्ड एलर्जेंस हो सकते हैं और फूड के साथ एलर्जेंस जा सकते हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस में एलर्जेंस ज्यादा जा सकते हैं, हम लोगों ने एग्जांपल्स देख लिए थे। वायरल इन्फेक्शन होगा तो एज सच एजमा तो नहीं कराएगा, लेकिन कोई एजमेटिक इंसान होगा तो उसमें एजमा के अटैक्स और फ्रीक्वेंट कर देगा या प्रेसिपिटेट कर देगा। इसके अलावा वेदर चेंज होगा तो किसी पर्टिकुलर वेदर में ज्यादा एलर्जेंस आ सकते हैं, प्लस मान लीजिए बहुत हॉट वेदर है तो उससे भी अस्थमा हो सकता है, क्योंकि अगेन आपका जैसे एक्सरसाइज में आप देख पा रहे थे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका हाइपर ऑस्मोलर हो जाता था जिसकी वजह से मास सेल्स डीग्रेनुलेट हो जाते थे। इमोशन से ये देखा गया है कि वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, वेगस बीइंग अ पैरासिंपैथेटिक नर्व विल कॉज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। एक्सरसाइज का आपने देख ही लिया है कि यहाँ पे आपके मास सेल इसलिए डीग्रेनुलेट हो जाएंगे क्योंकि हम एक्सरसाइज करते समय हाइपर वेंटिलेट करते हैं, जो म्यूकोसा होती है काफी वो एयर लूज कर चुकी होती है, एयर लूज कर देगी तो हाइपर ऑस्मोलर होगी जो ट्रिगर कर सकती है मास सेल को डीग्रेनुलेट होने के लिए। गैस्ट्रिक एस्मा मैंने कह दिया है कि फूड से रिलेशन होगा, जब ज्यादा एसिड रिफ्लक्स होगा तो उसकी वजह से एस्मा इंड्यूस हो सकता है, हम कहते हैं गैस्ट्रिक एस्मा। रात में सिम्टम्स वैसे भी एस्मा के ज्यादा आते हैं क्योंकि रात में आपका एड्रिनर्जिक ड्राइव कम होता है, आपने देखा था वेगस पैरासिम्थेटिक है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी, तो अगर एड्रिनर्जिक कम कर दो इसका मतलब जो बैलेंस है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के फेवर में शिफ्ट हो जाएगा। स्टेटस एस्मेटिकस में मैंने कह दिया है सिंपल अभी इतना ही देखे हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा, मेडिकल इमरजेंसी होगा, आधे घंटे से ज्यादा एस्मा का अटैक अगर चलता रहा। सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ एस्मा। आप लोग चैट सेक्शन में आइए।